नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार के गया से इस वक्त की बड़ी खबर। नीमचक बथानी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बंडी के निवासी विपिन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोई मेरे ऊपर मुकदमा नहीं रहने के बावजूद पुलिस रात 12 बजे मेरे घर पर आई और गिरफ्तार कर थाने मुझे लेकर चली गई। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के ऊपर कोई पुराना केस हो सकता है होगा, पर मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है। विपिन कुमार ने बताया कि मैं लगातार इस बात को बताता रहा हूं कि मैं टीपू कुमार नहीं हूं। इसके बावजूद भी प्रशासन इस बात को नहीं माना। विपिन कुमार को एसआई विमलेश कुमार पर कई तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया है। जी हां बताइए, कल क्या घटना घटी आपके साथ? कल लमसम 10-11-12 बजे लमसम हम अपने दरवाजे पे खाट बिछा करके सोए हुए थे खटिया, और एक बड़ा भाई का बच्चा था छोटा वाला, साथ में सोया हुआ था। उधर से विमलेश कुमार एसआई राय आया दल बल के साथ, आया निमचक बथानी थाना से, जीप कमांडर एवर से आया था। उसी दल बल के साथ आया एसआई विमलेश कुमार, आया टेंडम लात से मार कर करके, नींद गहरा नींद में सोए हुए थे। अचानक बोला कि कौन है? हम बोले हम विपिन कुमार हैं। तो बोला नहीं, टिंकू कुमार है। उसी दरमियान में उठा करके खींच करके हमारे गाड़ी में, टिंकू कुमार कौन है? विपिन कुमार मैं हूँ। टिंकू कुमार मेरा भाई है, चलने वाले। बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि आप टिंकू कुमार हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं विपिन कुमार हैं। टिंकू कुमार को क्यों वहाँ पे खोजा जा रहा है? टिंकू कुमार के खोजा जा रहा था कि उसके ऊपर कोई मुकदमा था, लेकिन हमारे नज़र में कुछ नहीं था कि मेरा भाई है, लेकिन एक भी मुकदमा नहीं है। लेकिन अंदरूनी बात कहीं छुप में रह गई होगी, लेकिन विमलेश कुमार राय ने एसआई ने अपने बात पर अड़ा रहा, आया अचानक एक लात मार दिया, अचानक मैंने नींद टूट गया। बार बार पूछ रहा कि क्या नाम है, क्या नाम है? मैंने बोल रहा है कि विपिन कुमार नाम है। वह अनेक प्रकार से बोल रहे हैं लोग कि नहीं, टिंकू कुमार नाम है। चलिए, कॉलर पकड़ा और लेकर के खींच करके जा रहा था। इतना जुलूम हमारे साथ किया कि हम गमछे लपेटे और संडो गंजी में थे सोए हुए बाहर में, संडो गंजी और गमछा लपेटे हुए उसी दरमियान में खींच करके गाड़ी में बैठा के ले जाना चाह रहा था। हमने बोले कि बहुत कष्ट के है, जो ठेठ हिंदी में बोले देहाती भाषा में, कि हमारे पेशाब लगा हुआ है, लेकिन उन लोग कोई मुँह ममता नहीं किया। क्या कोई अपराधी है आप? कोई अपराधी नहीं है। ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? क्या जुल्म है प्रशासन लोग, अति जुल्म है। तो जब मेरे थाना ले जाने के बाद क्या हुआ? थाना ले जाने के बाद जब यहाँ आए, जो गाड़ी पर चढ़ाने लगा, तो बोले एसआई विमलेश कुमार को कि मेरे पेशाब लगा हुआ है, ठेठ हिंदी में, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं, पेशाब तक नहीं करने दिया, तब जुल्म कर दिया। डायरेक्ट है जो कॉलर पकड़ करके खींच कर करके लेके चला जा रहा था थाना, जीप में बैठाया, और लोग आ रहे थे कि आधार कार्ड मंगाइए, आधार कार्ड मंगवा रहे हैं विपिन कुमार के, आधार कार्ड भी पहुंच नहीं पाया, गाड़ी है जो खींच ले पहुंचा दिया निमचक बथानी थाना। जब थाना के बाहर गेट पे गाड़ी रुकी तो हम उतरे कि यहाँ भी पेशाब कर, तो लोग दल बल के साथ पूरे घेर लिया कि यहीं पर ही पेशाब करो, हो सकता कि भाग जाए। एसआई था उसके द्वारा कहीं जानबूझ कर किया गया या चूक हुआ है आपके साथ? लेकिन एसआई उनका पूरे दल बल के साथ पूरे घेर करके, एक चौकीदार भी थे, वो बार बार कह रहे थे कि टिंकू कुमार नहीं है, ये विपिन कुमार है, लेकिन उनका बात भी नहीं चल रहा। तो ये जानबूझ कर आपके साथ इस तरह? हाँ, जानबूझ कर करके पेशाब तक के करने का जुल्म किया प्रशासन लोग। एसआई विमलेश कुमार के पूरे दल बल के साथ कितने बजे थाने ले गई, कितने बजे तक थाना में रखी? यहाँ 12 बजे हमरे खाट पर से उठा करके लेके चला गया, एक लात आया मार दिया। कितने बजे तक रखी थाने में आपको? थाने में लेकर के चला गया आपको 12:30 एक बजे, जैसी हाजत में घुसाया वैसी अकेले में जा करके बोले कि 10,000 रुपया लाने का काम करो, आधार काम देने का काम करो, पुनः छूट जाएगा। हम कि हमारे के यहाँ एक भी रुपया नहीं है, कैसे कहाँ से ला करके देंगे? वो बोले कम से कम कुछ भी ला करके दो। 10,000 कौन मांगा था आपसे? एसआई विमलेश कुमार। किस चीज का? छोड़ने का। और आधार कार्ड लाइए, चारों भाई का आधार कार्ड। आप इस सवाल उनसे सवाल ये नहीं कि किस जुर्म में मतलब गिरफ्तारी कर रहे हैं आप, हमको ले जा रहे हैं, इस तरह का सवाल आप नहीं क्यों वहाँ पे
वो आदमी हमने पूछे कि किस मुकदमे हम पे रहे, तोला पर केस है, बार बार पूछ रहे बार बार केस है, हम केस किस मैटर का है, मतलब हत्या का है, बलात्कार का है, गुंडेबाजी का है, गर्देबाजी का क्या का है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ बोले कि आप पर मुकदमा है, लेकिन अभी तक बताया नहीं, ले जा करके हाजत में बंद करने का काम किया। और पुनः उसमें न लाइट रहा था और न पानी पीने का, पानी पीने बगैर तड़प रहा था आदमी, वही गर्मी में रातों भर रहा। सुबह है जो 8 बजे लमसम हम बोले कि हमारा तबीयत आखिरी तबीयत खराब हो रहा है और हम हार्ट पेशेंट हैं, जब हमने मान ले कि मूड़ी हिला करके गिर जाएंगे तो